और चलिए 12 की ब्रेकिंग की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ ही। लखनऊ में आज रफ्तार ने 4 जिंदगियां छीन ली है। लखनऊ के सैरपुर इलाके में एक कार नाले में गिरी, नाले में कार के गिरने से 4 युवकों की मौत हो गई है। संदीप यादव, निखिल शुक्ला, अंकित श्रीवास्तव इनका नाम बताया जा रहा है जिनकी मौत हो गई है। हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है और मौके की तस्वीरें आप देखिए। अनियंत्रित होकर जो ये कार थी ये नाले में गिर गई, जिसमें सवार जो 4 युवक थे उनकी मौत हो गई है और इनका नाम संदीप यादव, निखिल शुक्ला, अंकित श्रीवास्तव बताया जा रहा है। परिजनों को सूचना दे दी गई है, नाले में ये कार गिर गई थी जिसमें 4 युवकों की मौत हो गई। ये तस्वीरें भी आप मौके की देख रहे हैं किस तरीके से कार गिरी और उसके बाद सीएम योगी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। तो कैसे ये हादसा हुआ आपको बता दें, सरकारी नंबर की गाड़ी अचानक से नाले में गिर गई। नाले में कार गिरने से 4 दोस्तों की मौत हो गई है जो कि इस कार में सवार थे। रिटायर्ड जज के ड्राइवर के बेटे समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में एक शख्स भी है जो गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे में संदीप यादव, अंकित श्रीवास्तव की मौत हो गई है और निखिल शुक्ला नाम के युवक की भी इसमें मौत हो गई है। मड़ियांव इलाके के रहने वाले ये मृतक बताए जा रहे हैं। लखनऊ के सैरपुर इलाके में यह हादसा हुआ। संदीप के पिता ने नीलामी में सरकारी नंबर की कार खरीदी थी जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई और सीएम योगी ने लखनऊ में हुए इस हादसे पर दुख जताया है। तो रफ्तार बताई जा रही है वजह इस हादसे की, जिसमें 4 युवकों ने आज अपनी जान गंवा दी। और चलिए आगे बढ़ेंगे, उन्नाव से बड़ी खबर आपको बता दें। उन्नाव के शहीद जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंच चुका है। शहीद श्याम सिंह का पार्थिव शरीर गांव पहुंचा, सेना के जवान साथ लेकर पहुंचे हैं पार्थिव शरीर। डीएम अपूर्वा दुबे और एसपी सिद्धार्थ शंकर भी मौके पर पहुंचे। शहीद श्याम सिंह के अंतिम दर्शन को भारी भीड़ जुट गई है। सेना के अधिकारी भी शहीद के गांव पहुंचना शुरू हो गए हैं। तो सिक्किम में ये बड़ा हादसा हुआ था जहां जो सेना का ट्रक था वो अचानक से खाई में गिर गया, जिसमें 16 जवानों की मौत हो गई थी। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के भी कई लाल ऐसे हैं जो इस हादसे में शहीद हो गए। बात करें उन्नाव की, तो उन्नाव के शहीद जवान का पार्थिव शरीर गांव पहुंच चुका है। शहीद श्याम सिंह भी उसी ट्रक में सवार थे जो कि सिक्किम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसमें वो शहीद हो गए और आज उनका पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया। बच्चे के लिए पेट्रोल पंप चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे आदमी की इस्मारत बनवाई जाए। बच्चे के लिए पेट्रोल पंप चाहिए, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी मुझे 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, मेरे आदमी की इस्मारत बनवाई जाए। अंतिम संस्कार से पहले शहीद की पत्नी की मांग, शहीद श्याम सिंह यादव की पत्नी विनीता ने मंत्री रजनी तिवारी को मांग पत्र दिया है। पति की शहादत पर 1.5 करोड़ पेट्रोल पंप, शहीद स्मारक की मांग शहीद की पत्नी की तरफ से की गई है। सिक्किम में सड़क हादसे में श्याम सिंह यादव शहीद हुए थे, आज उनका पार्थिव शरीर उनके गाँव पहुंचा है और उनकी पत्नी ने मांग की है कि उनके एक परिजन को सरकारी नौकरी दी जाए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी मांग की है कि शहीद का स्मारक भी बनाया जाए। सिक्किम में शहीद लांस नायक लोकेश का पार्थिव शरीर मुजफ्फरनगर आ गया है। पैतृक गांव यूसुफपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा और राजकीय सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। लांस नायक लोकेश 2012 में सेना में भर्ती हुए थे और सड़क हादसे में 16 जवान शहीद हो गए, जिनमें से यूपी के कई जवान भी शामिल हैं। पार्थिव शरीर जब सिक्किम से मुजफ्फरनगर पहुंचा तो इसे लेने के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और विधायक चंदन भी मौजूद थे। पैतृक गांव यूसुफपुर में अंतिम संस्कार शहीद का किया जाएगा। सिक्किम में सड़क दुर्घटना में जो शहीद लांस नायक लोकेश थे वो भी शहीद हो गए थे। मेरठ की अगर बात की जाए तो मेरठ में खाली प्लॉट और सड़कों पर कूड़ा डालने वालों पर बड़ा एक्शन हुआ है। मेरठ नगर निगम ने 15 लोगों पर 25-25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुशांत सिटी वेलफेयर रेजिडेंट सोसाइटी में भी 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और इस तरह कुल 3.80 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल नगर निगम को ये शिकायत मिली थी कि माधवपुरम में द्वारिका सिटी के सामने कूड़े का भराव किया जा रहा है। प्राइवेट कूड़ा उठाने वाले प्लॉट मालिक को पैसा देकर खाली प्लॉट में कूड़ा डाल रहे थे। पूर्वा इलाही बख्श के रहने वाले 15 से ज्यादा लोगों के नाम यहां खाली प्लॉट है और इन्हीं 15 लोगों पर नगर निगम ने जुर्माना लगाया है। एक सप्ताह में ये जो जुर्माने की राशि है उसे जमा कराना होगा और अगर जुर्माने की राशि नहीं जमा कराई गई तो नगर निगम कुर्की की कार्रवाई करेगा।
खाली प्लॉट में कूड़ा डालने वाले या सड़कों किनारे कूड़ा डालकर आग लगाने वालों की अब खैर नहीं है। मेरठ नगर निगम ने बड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है। एनजीटी के नियमों के तहत नगर निगम बड़े एक्शन लेने जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये मेरठ शहर के किसी ग्रामीण या देहात के इलाके की तस्वीर नहीं है, बल्कि ये माधवपुरम इलाके की तस्वीर है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सड़क किनारे गोबर है, कूड़ा है, उसके ढेर यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और दुर्गंध हो रही है, और इसकी वजह से लोगों को तमाम दिक्कत और मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नगरायक अमित पाल शर्मा के निर्देश पर अब जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई हैं और वो लगातार यहाँ पर जो एक्शन है वो यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है। नगर निगम के दो बड़े अधिकारी हैं, अपर नगर आयुक्त हैं यहाँ पर प्रमोद कुमार और सहायक नगर आयुक्त हैं ब्रजपाल सिंह। बताया जा रहा है कि धड़ाधड़ बड़े बड़े जो एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। 15 ऐसे लोग हैं कि जिन पर आज 25-25 लाख रुपए का जो जुर्माना है वो यहाँ पर लगाया गया है, और ये टीम जो अपनी रिपोर्ट है वो नगर आयुक्त को सौंपेगी। यहाँ देखिए कि तमाम जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ नगर निगम की टीम से मिलने आ गए हैं। लगातार यहाँ शिकायतें की जा रही थी कि कूड़ा डल रहा है, कूड़ा नहीं यहाँ पर डालना बंद किया जा रहा है। क्या बड़ा एक्शन आज आपकी तरफ से लिया गया है? देखिए ये इस पे यहाँ के स्थानीय निवासी लोग आए थे हमारे पास और उन्होंने बताया कि हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा लोग डालते हैं, प्राइवेट लोग डालते हैं। इन्होंने फोटोग्राफ भी हमको दिखाई, फिर मौके पे मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे देखा कि वाकई में प्राइवेट गाड़ियाँ जो है कूड़ा डाल रही थी, और उनसे जब पूछा गया तो ये बताया कि जो प्लॉट के मालिक हैं वो हमसे 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं और यहाँ पे कूड़ा डलवाते हैं। और यहाँ पे यहाँ स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ पे गार्बेज बर्निंग भी बहुत हो रही है जिससे यहाँ का वातावरण दूषित हो गया है। एक नगर आयुक्त हैं ब्रजपाल सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जुर्माना तो लगा दिया गया, वसूली की क्या पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कितने दिन का वक्त दिया गया? अभी जुर्माने का नोटिस दिया गया है, इसके बाद जब समय होगा तो इनको डिमांड नोटिस दिया जाएगा, और डिमांड नोटिस देने के बाद भी अगर ये पैसा जमा नहीं करेंगे तो जिस ज़मीन के क्रम में ये जुर्माना लगाया गया है जहाँ गार्बेज बर्निंग हो रही है उसी ज़मीन को पुर्क करके लैंड रेवेन्यू की भांति इनसे ये वसूल किया जाएगा। अच्छा, कुर्की की कार्रवाई बिल्कुल होगी अगर पैसा जमा नहीं करेंगे तो। कुछ और लोग यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत मुश्किल है, बड़ी दुर्गंध, कैसे रह पा रहे हैं आप? नमस्कार साहब, हमारी इस गड्ढे के बिल्कुल सामने हमारी एक रेजिडेंशियल कॉलोनी है द्वारिकापुरी के नाम से, जिसमें लगभग 150 परिवार रहते हैं और रोज शाम को यहाँ पे आग लगा दी जाती है। मेडिकल वेस्ट आप देखेंगे तो मेडिकल वेस्ट, मृत पशु और सारे आसपास के सभी क्षेत्र का कूड़ा यहाँ पे लाके प्राइवेट जो कूड़ा डालने वाले हैं वो डंप कर रहे हैं। जी, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल में रहने, कैसे रह पा रहे हैं? तो खड़ा होना मुश्किल है। मानेवर में माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर बहुत परेशानी है, आग लगाते हैं, हम तो बर्दाश्त नहीं हो पाते, हम बुजुर्ग आदमी हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये एक्शन आगे भी जारी रहेगा, और जो लोग सड़कों किनारे कूड़ा फेंक रहे हैं, प्लॉट में कूड़ा फेंक कर आग लगा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी नगर निगम ये बड़े एक्शन लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि नगर निगम के इस बड़े एक्शन से सड़कों पर कूड़ा डालने वालों की नींद जरूर उड़ गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं कि पूरा मामला आखिरकार है क्या। तो देखिए, मेरठ नगर निगम का ये बड़ा एक्शन आज देखने को मिला है। खाली प्लॉट में कूड़ा डालने पर ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें आपको कि सड़कों पर कूड़ा डालने वालों पर ये एक्शन किया गया है और मेरठ नगर निगम ने 15 लोगों पर जुर्माना ठोका है। 15 लोगों पर 25-25 लाख का जो जुर्माना है उसे लगाया गया है। सुशांत सिटी वेलफेयर रेजिडेंसी पर भी जुर्माना लगाया गया है और 15 लोगों पर कुल मिलाकर 3,80,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, और इन लोगों को एक सप्ताह का वक्त दिया गया है जुर्माने को जमा करने के लिए। जुर्माना अगर जमा नहीं कराया जाता है तो फिर कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों की तरफ से कूड़ा डालने की शिकायत की गई थी, जिस पर मेरठ नगर निगम ने यह बड़ी कार्रवाई की है और ये बड़ा जुर्माना कूड़ा फेंकने वाले लोगों पर लगाया है। एक सप्ताह का वक्त दिया गया है इन लोगों को, जब ये जुर्माना राशि जमा करवाई जाएगी। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो विधान परिषद की खाली हुई 6 सीटों के लिए भाजपा ने तैयारी कर ली है। भाजपा के कुछ क्षेत्रीय अध्यक्षों को इसकी सौगात मिल सकती है, भाजपा के कई पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। विधान परिषद की खाली हुई 6 सीटों के लिए भाजपा की तैयारी, क्षेत्रीय अध्यक्षों और पदाधिकारियों को विधान परिषद भेजने की तैयारी है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में कई नामों पर मंथन हुआ है। ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी के नाम पर मंथन हुआ है। इधर कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह के नाम पर भी चर्चा हुई है। ब्रज बहादुर, प्रकाश पाल और संतोष सिंह के नामों पर भी चर्चा हुई है। प्रियंका रावत का भी नाम है एमएलसी के लिए, जो कि चर्चा में शामिल है। तो भाजपा का ये मास्टर प्लान और उसकी तैयारी लगातार की जा रही है। कई दिनों से जो नाम है उन पे मंथन किया जा रहा है।
6 सीटों के लिए भाजपा की तरफ से ये तैयारी की जा रही है। तो यूपी में भाजपा का मास्टर प्लान क्या है, ये पॉइंट्स के जरिए आपको समझाते हैं। तो यूपी में भाजपा की संगठन को लेकर बड़ी तैयारी है। भाजपा के कुछ क्षेत्रीय अध्यक्षों को जल्द ही जो बड़ी सौगात है वो मिल सकती है। इसी के साथ साथ भाजपा के कई पदाधिकारियों को बड़ी जिम्मेदारी देने की भी तैयारी की जा रही है। विधान परिषद की जो 6 सीटें खाली हुई हैं उसके लिए भाजपा की तरफ से जो तैयारी है वो कर ली गई है। इसमें क्षेत्रीय अध्यक्षों और पदाधिकारियों को विधान परिषद भेजने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक में जो कई नाम है उन पर मंथन हुआ है। ब्रज क्षेत्र की अगर बात की जाए तो ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी का नाम भी इसमें शामिल है, जिस पर मंथन हुआ है। कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह के नाम पर चर्चा हुई है। अगर ब्रज बहादुर प्रकाश पाल और संतोष सिंह ये भी ऐसे नाम है जिन पर चर्चा की गई है, और प्रियंका रावत का नाम भी MLC के लिए इस वक्त चर्चा में शामिल है। तो ये पूरी लिस्ट है जिन नामों पर चर्चा हुई है और ये जो बड़ी जो मंथन है इसे किया जा रहा है। लगातार कई दिनों से बैठकों का दौर चला और उस बैठक में ये जो नाम है इन पर जो है चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक है, ये वो नाम हमने आपको बताए जिन पर चर्चा हुई है। और अब बात करेंगे सपा के मिशन मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की बड़ी रणनीति, मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अखिलेश यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश इकाई ने तैयारियां शुरू कर दी है। तो मिशन गुजरात के बाद अब मिशन मध्य प्रदेश में जुड़ गई है समाजवादी पार्टी, और ये बड़ी तैयारी फिलहाल जो है रणनीति बनानी जो है वो शुरू कर दी गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो क्या है सपा का मिशन मध्य प्रदेश, ये जरा समझिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ने का ऐलान कर दिया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की तरफ से लगातार जो रणनीति है वो बनाई जा रही है। मध्य प्रदेश की जो सभी सीटें हैं उस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया गया है, और सभी सीटें यानी कि 230 सीटों पर चुनाव समाजवादी पार्टी की तरफ से लड़ा जाएगा। अखिलेश यादव के निर्देश पर मध्य प्रदेश में सपा ने तैयारी भी शुरू कर दी है, और मध्य प्रदेश इकाई ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई है। तो मिशन गुजरात के बाद अब नजर है समाजवादी पार्टी की मिशन मध्य प्रदेश की। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें जोर शोर से उतरने का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है, और अब इसके लिए जो रणनीति है वो भी बनानी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव की तरफ से जो सभी कार्यकर्ता है मध्य प्रदेश में उन्हें तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए हैं, और सभी सीट यानी कि 230 सीट है मध्य प्रदेश की जिन पर लड़ने का ऐलान समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया है। बैठकों का दौर इसके लिए भी जारी है, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। राहुल गांधी के पकौड़े वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पकौड़ा अगर उन्हें खाने की इच्छा होगी तो कोई ना कोई उन्हें जरूर खिला देगा। कल लाल किले से केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल ने कहा था कि देश के युवा पकौड़े बनाने के लिए मजबूर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंची तो बड़ा उत्साह दिखा, लेकिन उन्होंने निशाना आप पर साधा, कहा कि आज भी युवा पकौड़े तल रहा है, और लेकिन अटल जी को उन्होंने भी याद अटल जी को याद किया, उसके लिए धन्यवाद है, और उनको पकौड़ा कुछ अगर खाने की इच्छा होगी तो कोई ना कोई जरूर खिला देगा। और इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।